ही मैं आपकी तारीफ कर सकती हूँ. ओके एक्चुअली मैं सर आपके लिए तो यानी वर्ड नहीं है अभी बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम हुआ और हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका लेवल जो अभी शायद वो लोग ऐसा समझूंगी मैं कि वो लोग बहुत नसीबदार है या तो उनका नसीब बहुत अच्छा है कि वो आपको मिले और आपने आपने उनको इतना अच्छे से ट्रीट किया राइट. क्योंकि इन लोगों का जो लेवल है यानी वो लोग जिस लोकैलिटी से आ रहे हैं वो लोकैलिटी यानी बोर्ड यानी उनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है यानी उन लोगों को ये चीज जो मिली है उसका यानी ये लोग अगर यूज करेंगे तो शायद बहुत ही आगे निकल सकेंगे. और ये KTI का और ये सर का हम लोग बहुत तहे दिल से यानी शुक्रिया करते हैं कि एक्चुअली वी आर फैमिली. यस सो अभी मैं तो यही चाहती हूँ कि सर हमारे यहाँ पे बार बार आए. ओके और हम लोग ऐसे फेस्टिवल बार बार अच्छे से गाठिया खिलाएंगे हम लोग उनको. ओके ओके थैंक यू. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और हमारे स्टूडेंट्स को ये सब जानकारी दी. सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि जॉब करनी है लेकिन वो जॉब के लिए जो प्रोसीजर क्या है कहाँ से कहाँ पे पहुँचना है सबको पता है कि गाड़ी ऐसे स्टीयरिंग से चलती है लेकिन वो पहला गियर कैसे पड़ता है. आपने सब बच्चों की गाड़ी पहले गियर में डाली है. ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता बस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आशीष सर इतना मन में तुम्हें पहले शब्दों को पता कैसे एक्चुअली थैंक यू वेरी मच सर कि आप यहाँ पे आए और जो हमारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी क्योंकि वो बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं था कि कैसे स्टार्ट करें. जैसे आशुतोष सर ने बोला मैडम ने बोला वैसे तो सब कुछ बोल दिया जो मेरे मन में था उस लोगों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है जो मैं कहना चाहता था. और थैंक यू वेरी मच सर कि स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा लेकिन स्टूडेंट तो वैसे भी सिंसियर ही थे लेकिन नहीं सर ऐसा लगता था हम कि ब्रेक के बाद यहाँ पे कोई नहीं बचेगा एक्चुअली ऐसा लगता था लेकिन हमने देखा कि लास्ट तक कोई बचा ही नहीं पूरा भरा हुआ था वो लेट हो गया. हाँ कभी कहीं बच्चों की ट्रेन भी चली जाती थी कहीं की बस चली जाती थी कुछ लोगों को जॉब पे जाना था कहीं के फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम था तो भी बच्चे बैठते थे. हम आपको टाइम दिया यहाँ पे बैठे और बहुत मजा आया. थैंक यू सर. और मैं एक विश करता हूँ कि सर फिर से यहाँ आए दोबारा है ना. ओके थैंक यू. ओके चलो थैंक यू सर यहाँ पर आने ऐसी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए. हम लोग टेक्निकल तो उनको सिखा ही रहे पर उन लोग को जो मतलब बेसिक है इंटरव्यू कैसे फेस करना वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है. हमेशा बंदे को क्या आता है टेक्निकल नॉलेज भी होता है पर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है तो मतलब इंटरव्यू फेस करना इट्स वेरी क्रिटिकल. आप में एबिलिटी है मतलब आप उसको सामने वाले को अगर नहीं बता पाओगे तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है और उसको आपने बूस्टअप किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. आपको और हमारा हाथ साथ साथ भाई भाई भाई.